दैनिक सवेरा टीवी वेख रहे साढ़े सारे दर्शकों सत श्रीकाल। मैं हाँ तुहाडा अपना अनमोल सिंह गुलाटी। तो अज साडे नाल मौजूद ने वो शख्सियत जिहड़े कि जवां दिनां दी जवां दिलां दी धड़कन ने, जवां मुंडियां दी धड़कन ने, ते नाले ही सोशल मीडिया ते हमेशा छाई रहिंदियां ने, पूनम पांडे। तो पूनम पांडे इहनां दी नवीं मूवी आ रही है जर्नी ऑफ करमा। हुण आपां पूनम पांडे तो गल करने आ कि इस मूवी बारे कुछ पुछने आ। मैम सब तो पहला स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा टीवी ते। अच्छा पंजाबी समझ लैंदे हो तुसीं? टूटी फूटी बोल लेंदे हो, चलो फिर ठीक है। अच्छा पूनम जी, तुहाडी मूवी आ रही है करमा, इहदे बारे कुछ दसो कि इस मूवी च काम करके तुहानूं किहो जिहा एक्सपीरियंस मिलिया? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। फिल्म अभी रिलीज पे है, 26 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है। मैं एक 18 साल की लड़की का किरदार निभा रही हूँ इस फिल्म में, पूनम पांडे की बिल्कुल ऑपोजिट। तो एक बहुत ही इनोसेंट 18 साल की लड़की। एग्जैक्टली, यस। इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है। चलो कहानियाँ पर पूछने प्रोड्यूसर साहब को। प्रोड्यूसर साहब तुसी दसो स्टोरी बारे मूवी दे। तो मैं आपको बता दूँ, 26 साल की पूनम पांडे जो है वो एक 18 साल की बड़ी क्यूट सी इनोसेंट सी लड़की का उम्र बताना जरूरी था। 26 साल, यू कुड हैव सेड 20 ना। नहीं तो मैम इन्हां दी गल ते विश्वास कोई नहीं कर रहा, क्योंकि तुसी लगदे 18 वी लगदे 18, तभी तो 18 वाला रोल देता है, तभी 18 वाला रोल देता है। और क्या निभाया, मतलब क्या निभाया, मतलब मैं तो ऐसे देखता रहता हूँ। इतना अच्छा निभाया कि अभी तो क्या अभी भी कितनी इनोसेंट, बहुत इनोसेंट। तो 18 साल की लड़की है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होती है, गरीब परिवार से है, स्लम फैमिली से है। और जो इसकी करमा की मदर है, करमा की मदर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है, करमा खुद बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है, पढ़ना चाहती है, अमेरिका में जाना चाहती है, बड़े बड़े ख्वाब हैं करमा के। और उसी बीच इनके साथ बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, स्ट्रगल्स आती हैं, और एंट्री होती है हमारे शक्ति कपूर जी की फॉर एन इम्परफेक्ट लव स्टोरी बिटवीन करमा एंड द मिस्टीरियस मैन। ठीक है, तो करमा की जड़ी स्टोरी है कि वे 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 ड्रीम्स ने सब कुछ, मतलब उन्होंने हाई ड्रीम्स ने अचीव करना चाहिए, जिन्होंने कुछ रियलिटी तो भी मतलब रिलेशन हैगा कुछ थोड़ा माड़ा मोटा? ये पूरा रिलेशन हैगा, ये इंस्पायर्ड ही इस तरीके से है कि हर किसी के लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल्स होती हैं, और एक 18 साल की लड़की जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही खूबसूरत 18 साल की लड़की है, तो स्ट्रगल तो होनी होनी है, हर जगह होनी है। उसके साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती है, मोलेस्टेशन, ये सब, इतना सब कुछ चल रहा है जो जो एक 18 साल की लड़की के साथ हो सकता है, बहुत सारी स्ट्रगल्स चल रही होती है। वो कैसे, उसकी क्या जर्नी होती है, क्या चलती है, क्या रिएक्शन होता है, उसी के बारे में जी साड़ी मूवी आएगी, द जर्नी ऑफ करमा। ठीक है, तो जी करमा जी कुड़ी है, ये बेसिकली ये भी फिल्म लाइन ची ट्राई करना चाहती है मॉडलिंग वगैरह के? नहीं कुछ नहीं, इसका फिल्म लाइन से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई करना चाहती है, और जैसे एक लड़की अचीव करना चाहती है कि मैं यहाँ से मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, तो मतलब उसके लिए कुछ कीमतें चुकानी पड़ेगी। उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है, कीमतें चुकानी पड़ रही हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करती है करमा, ये तो आप मूवी में देखिए ना। ठीक है पूनम जी, जिहड़ी करमा नू मूवी च कीमतां चुकानी पै रही ने अपनी करियर नू लैके, करियर दी स्ट्रगल नू लैके, एक्चुअली कुछ इहो जिहा होंदा, तुसीं कदे फेस कीता इहो जिहा? मैंने मेरी लाइफ में ऑफकोर्स बहुत सारे उतार चढ़ाव फेस किए हैं। करमा की स्टोरी भी काफ़ी मिलती जुलती है मेरी लाइफ से, और जितने भी दर्शक हों, जितने भी लोग हैं, आई थिंक सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, आई एम श्योर आपकी भी लाइफ में ही होगी। आपको आसानी से तो कोई चीज़ मिलती नहीं है आपको, यू नो, सो इस स्टोरी का एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है लोगों को कि यू नो कि आप कभी गिव अप मत कीजिए, आप मेहनत करते रहिए, और आपको अपने आपके कर्म और आपका जो फल है आपको वो 100% मिलेगा। अच्छा, मतलब तुसी वो मैसेज भी दस्ता जड़ा कि मूवी से तुसी लो दर्शकों लिए देता है। कमिंग टू योर फैन फॉलोइंग, 1 मिलियन तो भी ज़्यादा तुहाडे फॉलोअर्स ने इंस्टाग्राम पर, लेकिन अप्पा मैं एक चीज़ नोटिस की थी, तुसी फॉलो सिर्फ एक बंदे नु कीता, वो बंदे दा अज खुलासा कर दियो, वो कौन है? मेरा दोस्त। अच्छा स्पेशल क्यों है, स्पेशल क्यों है, जस्ट फ्रेंड्स तो ठीक है, मैं समझ गया, स्पेशल क्यों है? नहीं ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है, वी आर जस्ट बडीज एंड वी डिसाइडेड टू फॉलो ईच अदर। डिसाइड तो मतलब बाकियों ने भी किया होना ना, तुसी 1 मिलियन लोगों ने तुहानू फॉलो किया, उन्होंने नाल तुसी कोई डिसीजन नहीं लेता। आई थिंक कोई जानी ऑफ कर्मा के बारे में बात करते हैं। ओके पूनम जी, कमिंग टू द पॉइंट, जो जो कि काफ़ी वायरल है अजकल फेसबुक सारी सोशल साइट्स से, मी टू, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज मी टू, इज इट रेलेवेंट और नॉट? 100% इट्स रेलेवेंट।
I think when I was in the car right now, Shiv, I think somebody was saying, you know, ये लड़कियाँ 10 साल के बाद उठ के ये कर रही हैं एंड उन्हें उसी वक्त हाँ उसी वक्त उठ के थप्पड़ मार देना चाहिए था और वो कर देना चाहिए था यार. बट मैं पर्सनली अगर अपने आप को सिचुएशन में डाल के ये सोचती हूँ तो हिम्मत नहीं होती है. ये डायरेक्टली आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि आपके सामने ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं. मेरा करियर, मैं कैसे डायरेक्टली इतना उल्टा बोल दूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा अगर कोई नई लड़की आती है इंडस्ट्री पे. तो आई एम श्योर कि ये जो जितनी भी कहानियाँ मैं सुन रही हूँ ये बहुत ज़्यादा बिलीवेबल है मेरे हिसाब से, पता नहीं क्यों. एंड बीइंग अ गर्ल 100% आई एम गोना सपोर्ट देम. सो तो मीटू वर्गा तुहाडे किसी नोन नाल या कदे तुहाडे नाल कदे इहो जिहा कुछ कुछ तुहानू भी कुछ फेस करना पिया अज तक? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं. तो मीटू की जी गल है, राखी सावंत ने एक गल कही कि तनुश्री दत्ता ने गलत किया. बिल्कुल ये गलत कह रही है, गलत बयानबाजी चल रही है. तो तनुश्री दत्ता ने हुन डिफेमेशन का केस लाता राखी सावंत पर. राखी सावंत बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, बिल्कुल अगेंस्ट आ मीटू दे. तो तुसीं की कहोगे राखी सावंत का स्टैप जिहड़ा सीगा उहदे बारे तुसीं की कहोगे? वेल ये सवाल आप राखी सावंत जी से ही पूछिए या फिर उनसे ही पूछिए तो बेटर होगा. नहीं, उन्हां दा तां व्यू अलग है, आपां तुहाडा व्यू जानना चाहते कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग एन एक्ट्रेस, राखी सावंत अगेंस्ट आ मीटू दे, तो तुसीं की कहोगे कि वो उन्हां दा इहो जिहा बर्ताव ठीक है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आपने अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा तो मैं 100% लड़कियों को सपोर्ट करूंगी. सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, प्रॉबेबली वॉइस होनी बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. सो अगर उन्हें उसे सपोर्ट नहीं करना है वो उनका लुकआउट है. मेरे को उस मुझे उस मुद्दे पे बात नहीं करनी. मैं बड़ी आई वुड रादर स्टे आउट ऑफ इट. मैं यहाँ अपनी फिल्म प्रमोट करने आई हूँ. हम थके हुए सुबह से यार, खाना नहीं खाया, इतने बात कर रहे हो मुझे. मीटू नू छड्डो, मीटू नू छड्डो. नहीं आपा तैयार हां, मैं तो तैयार हां. इंटरव्यू तो बाद आपा चल सकते हैं, नो इश्यूज. चलो कहां ले चलो? इंटरव्यू तो बाद, इंटरव्यू तो बाद. कहां पर आके? पक्का डन, दिल्ली पराठे. ठीक है. अच्छा आपा गल करिए चंडीगढ़ बारे. तुसी चंडीगढ़ आए हो प्रमोशन लई अपनी मूवी लई. फर्स्ट ऑफ ऑल किहो जिहा एक्सपीरियंस रहा, कि क्या पुरानी तुहाडी कुछ यादां ने चंडीगढ़ नाल जुड़ी हुई? मैं यहां पे बहुत साल पहले आई थी. मुझे चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड जगह है. ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं मुंबई में काफ़ी लोगों को इस बारे में बताती हूँ ना कि हमारे यहाँ पे मैं इतने सारे शॉप्स देखती हूँ, इतना सब कुछ देखती हूँ, सब यू नो थिंग्स आर जस्ट नॉट ऑर्गेनाइज. यहाँ ये मुझे चीज़ बहुत पसंद है. तो कोई बड़ा खुला खुला है या पंजाबियों के दिल वर्गा सब कुछ खुला खुला है. यस ठीक है. तो पंजाबी कल्चर से तुम्हें सब तो वधिया की चीज़ की लगती है? मुझे पंजाबीज बहुत पसंद है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक दे आर मतलब उनकी पर्सनालिटी एंड बड़े खाते पीते बड़े मज़े करते हैं ना, बड़े कि अरे की फ़र्क पड़ता है ना, चलो खाओ पियो लस्सी शशी यू नो व्हाटएवर व्हाटएवर. सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट देम. मतलब क्या एनर्जी है यार. आई थिंक अगर सभी के अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी आ जाए लाइफ जीने की हर एक दिन, तो आई थिंक शायद कोई डिप्रेशन में ना जाए. So you mean Punjabis are really good? Oh, they are. Thank you. ठीक है. तो अच्छा तुसी गल कीती लस्सी दी, पराठिया दी, दैट मीन्स तुहाडी क्रेविंग्स ने. तो पंजाबी खाने च मतलब पंजाबी क्यूजीन च बेसिकली पंजाबी क्यूजीन च लस्सी दा पराठा तो अलावा की चीज़ है जिहड़ी तुहानू पसंद है खाने? मुझे दाल मखनी बहुत ज़्यादा पसंद है. यहाँ ख़त्म करके वही खाने वाली जाके सरसों का साग एंड मक्के की रोटी, वो मैं बिना खाए तो चंडीगढ़ छोड़ने नहीं वाली. सो आई एम डेफिनेटली गोना हैव इट. व्हाट अबाउट द कुकड़ कुकड़ शुकड़? मुर्गा? मैं वेजिटेरियन हूँ जी. या बैड लक. ये सभी लोग मुझे बोलते हैं यार. मतलब मैं ना कहीं पे जाती हूँ, लाइक ओए चिकन हो जाए. आई एम लाइक वेजिटेरियन. अरे अरे अरे, मतलब मैंने मतलब पाप कर दिया. पनीर समझ के खा लो. अच्छा तुसी भाजी खांदे हो? नॉन वेज खांदे? मैं तो मेडिटेरियन हां. तो तुहानू पंजाब दी की डिश पसंद है सब तो? मैनू सब कुछ पसंद. बटर चिकन मेरा फेवरेट हैगा. और मैं जब भी चंडीगढ़ आता हूँ तो ककोरी कबाब तो खाते ही खाता हूँ. और मैं इनको अभी यही बोल रहा था कि आज तो हम ककोरी कबाब खाने जाएंगे. नहीं तो मैं देखते हैं ना, अभी पनीर बोल के कुछ करते हैं. यू हैव द सब्स्टिट्यूट दही के कबाब. नहीं तो
आई नीड टू टॉक टू यू लेटर लायर ये मुझे पनीर बना के खिलाने वाला था सीरियसली अच्छा तुसी इन्हां नूं ककोरी कबाब पनीर दस के खवा रहे थोड़ी देर पहले प्लानिंग तो ऐसी थी आपने अब कुछ और करा दिया खवाए तो नहीं अजे नहीं 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 अभी कुछ नहीं हम जाने वाले थे मैं तो कह रहा इन्हां नूं इन्हां ते भरोसा ना करो तुसी साडे नाल चलो आपां तुहानूं वधिया पंजाबी खाना खिलावांगे पक्का मुझे बेवकूफ वेज 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 प्रॉपर वेज ठीक है जी अच्छा पूनम पांडे दे फैंस नू फॉलोअर्स नू दैनिक सवेरा राही एक मैसेज मेरे सारे फैंस मेरे सारे दोस्त आप मुझे जो देख रहे हैं आप सभी दैनिक सवेरा के व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी हमारी फिल्म आ रही है द जर्नी ऑफ कर्मा 26 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे आपसे प्लीज़ जाके फिल्म देखिए बहुत अच्छी कहानी है आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे पूनम जी 2011 तुहाडी एक स्टेटमेंट सी जिहड़ी काफी कंट्रोवर्शियल हो गई तुसी मतलब कौन है जी नहीं नहीं आप कौन लास्ट लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है तुसी मतलब जान के ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे देते हो जिहड़ी तुसी कंट्रोवर्सी च फंस जांदे हो देखिए वो स्टेटमेंट तो मैं आपको सच बताऊं वो पब्लिसिटी स्टंट था मेरे पीआर के थ्रू वो हमने किया था मुझे दैनिक सवेरा तेजक काफी अहम खुलासा हो रहा है लेकिन मुझे जो करना था मैं वो कर नहीं पाई उसके पीछे कुछ रीजन थे ठीक है इतना डीप चापा नहीं जाओगे ठीक है अच्छा बॉलीवुड च शक्ति कपूर के अगेंस्ट काम करके तो उनकी हो जा लगे अरे बहुत अगेंस्ट नहीं उनके साथ बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान है बहुत ही स्वीट से इंसान है आई थिंक आप दोनों ही क्यूट हो है ना मैं थोड़ी ज्यादा ना थोड़ी ज्यादा ते जब पंजाबी इंडस्ट्री च तुहानू काम करने दा मौका मिलिया तुसी करोगे क्योंकि एज सीइंग टू योर पहले जिहड़े तुसी काम कीता है बोल्ड कैरेक्टर्स कीते ने पंजाबी मूवीज च बोल्ड कैरेक्टर्स ज्यादा नहीं वेखे जांदे सब तो ज्यादा कॉमेडी होंदी है मेन जॉनरा जिहड़ा है कॉमेडी है तुसी करना चाहोगे कि नहीं करना आई वुड लव टू क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि मैं बहुत फनी इंसान हूं अगर मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो क्यों नहीं यार अच्छा मतलब ए मैसेज दैनिक सवेरा राही पंजाबी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स नु सीधा ओह या श्योर आई वुड लव टू ते ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਾਈ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੋ ਆਮ ਜਸਟ ਹੈਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇੱਕ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਲੋਗੋ ਸੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੁਝੇ ਕਭੀ ਉਸ ਅਵਤਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ थैंक यू सो मच पूनम जी थैंक यू भाजी आ सी साडे नाल फिल्म कर्मा दी लीड एक्ट्रेस ते नाले प्रोड्यूसर ते इन्हां दा मनना है कि इन्हां नूं हजे तक तां काफ़ी प्यार मिलिया ते इन्हां दी उम्मीद भी है कि अगे काफ़ी प्यार मिलेगा हुण वेखण वाली गल है कि किन्ना कु प्यार इन्हां नूं व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस तो दिंदे ने कैमरामैन दीपक दे नाल अनमोल सिंह गुलाटी दैनिक सवेरा चंडीगढ़